शरीफ जी को इस पर नियंत्रण रहता है तब तो ये टेरर अटैक होता ही नहीं। हम लोगों को ये इम्प्रेशन था, जो इम्प्रेशन हम लोगों को मिला जो रिपोर्ट आई थी कि इस बार जो नवाज शरीफ बातचीत करने का पहल कर रहे हैं वो उन्होंने मिलिट्री ISI को कॉन्फिडेंस में ले लिया है। लेकिन जो घटना हुई पठानकोट में जो टेरर अटैक हुआ इससे स्पष्ट है कि उन्होंने मिलिट्री और ISI को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इसीलिए तो टेरर अटैक हुआ। तो टेरर अटैक रोक नहीं सकते थे, मैं कि ये मना नहीं कर सकते थे। अब वो जो उसके कल्प्रिट्स है उसको डिलीवर कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क है। ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ये टेरर अटैक मिलिट्री ISI कॉम्प्लेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो एक तो कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक था, पठानकोट एयरबेस पर टेरर अटैक हुआ, उसी समय हमारे कॉन्सुलेट मजार शरीफ पर टेरर अटैक हुआ। ये कोऑर्डिनेशन तभी संभव है जबकि आर्मी इन्वॉल्व है डायरेक्शन देने में, दो अलग अलग कंट्री में टेरर अटैक हो रहा है। दूसरा जो इनके टेररिस्ट का ट्रेनिंग था, जो इनके वेपन्स थे, जो ये टारगेट चुना गया, ये सारा पॉइंट करता है कि हाँ साहब सो ये डायरेक्शन था ISI का और मिलिट्री का। तो ऐसे में ये नवाज शरीफ के पास इतना क्लाउट हो कि वो उन लोगों पर कार्रवाई करे, ये हमको संभव लगता नहीं है। तो इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि नवाज शरीफ डिलीवर कर पाएंगे। पिछली बार का भी देखिए 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ उसमें भी ISI के जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तो बुलाया भी नहीं गया, ट्रायल के लिए कभी उनको पुटअप नहीं किया गया, उनको चार्जशीट भी नहीं किया गया। लखवी जी बाहर घूम रहे हैं, हाफिज सईद बाहर घूम रहे हैं, तो ये हमको नहीं लगता है कि नवाज शरीफ